हेलो एवरी वन बैक विद अनदर वीडियो और आज हम करने वाले हैं रिएक्ट एक वीडियो पे जो है कैरी मिनाटी की ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की पैरडी है और भाई जो पिछली पैरडी आई थी ना ब्लॉगर्स की इनसेन थी बीच में यार आई फील देखो या तो दो बातें हैं या तो हम बड़े हो गए हैं मतलब पता नहीं है तो तो पहले से बड़ी थी <laughs> बट इनका नहीं पता मैं या तो बड़ा हो गया हूँ या फिर क्या सीन हुआ है जो वीडियोस बीच में आती है ना कैरी की जैसे बिग बॉस और वो सब हो गई वो मुझे इतनी ज़्यादा मजाक वाली नहीं लगती है इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आती है अब उस पर पता नहीं आ तो कंटेंट सैचुरेट हो गया है कैरी में का उस उस वाले जॉनरे में या फिर अगेन मैं बड़ा हो गया हूँ बट ये जो वीडियो निकाली थी ना जो स्पूफ निकाला था और जो पैरट निकाली थी उसकी ब्लॉगर्स की बड़ी खतरनाक थी मैं तुम्हें दिखाई थी वो सौरभ जोशी और वो सब और सबसे बेस्ट भाई वो था और उस फॉमूला को वापस से रिपीट किया है इन्होंने और लेट्स सी स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं क्या है और मोटिवेशन स्पीकर इन्होंने ऑलमोस्ट सारे आई फील देखे होंगे ठीक है कुछ कुछ के मैं नाम भूल गया हूँ तो मैं पहचान तो जाऊंगा चलो अरे ओ क्या नाम है बंदे का संदीप नहीं हाँ संदीप महेश्वरी संदीप महेश्वरी संदीप महेश्वरी आसान है आसान 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 है। आसान है। <laughs> <Back job. laughs> क्या आसान है। है? क्या कभी सोचा है बस रिपीट करते रहते हो अब पूछो सर 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 आ, सर वाईफाई पासवर्ड क्या है आसान है कैपिटल ए सर हाँ आप सर मैं एक पेंटर हूं पर मैं कोलिंग करना चाहता हूं यहाँ कितने लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है कि वो क्रिएटिव फील्ड में फंसे हुए हैं और उस वजह से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ऑलमोस्ट <laughs> सबको वैसे इफ आई मे आस्क आप पेंटर क्यों नहीं बने रहना चाहते सर क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूं मैं स्काई को ब्लू की जगह ग्रीन पेंट कर देता हूं सर सर एक सेकेंड

आप ही उनके बारे में बात स्टार्ट करी थी कितने इनसेंसिटिव हो यार आप? या कितने लोगों को लगता है मैं इनसेंसिटिव हूँ किसी को भी नहीं <laughs> वैसे अगर हम ये कन्वर्सेशन यूट्यूब पे डाले तो आप तो पागल वागल है क्या हा? क्या भाई पकड़ो ठीक पागल बना रहा है थैंक यू भगवान आपके माँ बाप को लंबी उम्र दे तेरी पैर छूने आ, आ रहा है मैं और तुम हम उम्र जाओ इसे हम उम्र खैर आज हम बात करेंगे मेरे की जो एक है। उन पे नहीं। नहीं। आज का यही टॉपिक सर, सर, सर। इसके अलावा कोई भी अरे राजा इस मादर चौथ को निकालो यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ कुछ सोच रहा हूँ सारा फ्लो तोड़ देता है हाथ तो ऐसे खड़ा कर रहा है जैसे यहाँ के पैसे दिए हों फ्री में आया मतलब पैसे दिए इनको आने तो कहा के था मेरे बचपन पे जब मैं छोटा बच्चा था सत्ताईस अट्ठाईस साल का तब तो मैं एक तालाब गया था जहाँ पर मैं एक मछली से मिला हिलसा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थी वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रही थी आज उसी से इंस्पायर होके calculated मैंने अपना ये चैनल खोला है यहाँ पे किसी को गर्मी तो नहीं लग रही yeah. कहाँ गर्मी लग रही है सर मैं तो गांव से नंगे पैर आया सर सिर्फ आपसे मिले लेट्स एंड टुडे सेशन हियर बोलिए मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर बनना आसान है आसान है लोगों का चूतिया काटना आसान है आसान है किसी भी चीज के नारे लगवाना आसान है आसान है अरे इन चूतियों को चुप कराओ रजत अरे चूतियों चुप हो जाओ यार तुमने सुना कलंकित बयानपुरी अभी अब फैप करने लगा है क्या होता है अरे वो जो हिलाते हैं अब क्या हिलाते हैं वो जो हिलाते हैं मुठ रचा मुठ कभी किया है कभी सोचा है क्या मजा है हाँ, सॉरी सर मैं मुठल नहीं हूं <laughs> मुठल। से तो लगते हो अब चलाओ उसकी चीज तुम पक्का मुठल हो तुम्हारी नाक बता रही है राम राम भाई सारे ने आज सेवेंटी फाइव मोटिवेशनल डे चैलेंज का एक सौ सत्तावा दिन है सुबह उठ के हमने देखा बीरा भाई सेब और उससे सीखा नो फिर तो तो बाथरूम में गए और बैक टू बैक करे दो फिर गए हम पास वाले पार्क में जहाँ मा हमने थोड़ा प्रोटीन और डाल दिया होटो के बीच में फिर चिड़ियों को देख के बनाया हमने रील जिसका कैप्शन डाला चिड़िया उड़ लड़की घर पे बैठ रील के लाइक गिनते गिनते हर लाइक हरियाणा से थे लड़ गया हमें ड्यूटी पे जहाकों को बेची कच्ची शराब वहां से घर आए और मैंने किया एक और फै फिर आ गया दूसरी ड्यूटी पे जहा आज मुझे करे सत्तर स्कैम कोल कौन लिपटा के मैंने कमाए तीन सौ रुपए फिर देखना बैठा मैं गंती चार आज हमने सीखा कभी कभी नारी और पुरुष को पिटने में आनंद भी आता है इसको बड़े बुजुर्गो ने नाम दिया है बीडीएसएफ। इसके बाद हमने फैप, जिससे हो हमारी और सोने लाग रहा था हमने जीप में खाई तो लट्टी और सो गए सिर्फ गाँव के लोगों ने हमारी रील देखी है भाई हम अंकित भाई जैसे वायरल गुना हो रहे मेहनत करता है भाई वो हमारे चुतिया पे न करता खाते हैं भाई विंजो से जीते ना विंजो के यार सर विंजो का ऐड करेगा अभी ये मैं ऐड कर रहा हूं डाउनलोड क्या भाई मिल जाएगा चलो भाई अब उस पॉडकास्ट के लिए लेट हो रहे हैं यार पॉडकास्ट ठीक है भाई राम राम अरे अब वो आएगा बीरा भाई से अभी तो हैं क्या ये गुरु हैं पता नहीं लगा ना अबे भाई गुरु। ए, पागल है क्या कर रहा है सतगुरु का भी लोग काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बातें ऐसी कभी कभी करते हैं या तो वो मतलब सच भी होती है या फिर हो सकता है कि वो उन्हें ऐसे मीन नहीं करते बट लोग उनका मजाक उड़ाते हैं इसलिए इसने भी बनाई है वीडियो बहुत लोग करते हैं भाई लगता है ऐसा कि मतलब सतगुरु की इमेज बहुत अच्छी है और सतगुरु बहुत अच्छे हैं भी बट मैंने देखा यार बहुत लोग को पता नहीं मजाक उड़ाते हैं उनका वो और उनकी बातों को ना वो करते हैं काउंटर करते हैं और वो बहुत सारी चीजें करते हैं चलो घड़ी नमस्कार चेट गुरु आई एम हाइपर एक्टिव व्हेन आई एम इन ऑफिस आई एम अनेबल टू सिट ऑन द चेयर फॉर मोर देन टू मिनट्स सिट सिट नो नो चेट गुरु इट्स अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम See, what is a problem? It's nothing but a sentence which has a question mark in the end. Now, if you remove that, the problem becomes the answer. So, your problem is the answer to the. Sorry, what was the question? Hello? <laughs> sitting, sitting chair. See, what is a chair? <laughs> अच्छा है पता है पता है ये मैंने एक इंटरव्यू देखा था सदगुरु का एक बंदे के साथ वो बहुत लंबा सा इंटरव्यू था मैंने पाँच दस मिनट के लिए देखा था उसको और सेम ये चीज़ हुई थी बंदे ने कोई टॉपिक के बारे में पूछा था स्पेसिफिक वो टॉपिक था बट जो क्वेश्चन था ना क्वेश्चन के की वर्ड के सदगुरु वो एक्सप्लेन करने लग गए थे जैसे अभी ये कर रहा है कि बोल रहे वॉट इज़ अ चेयर वो बोल रहा है मैं चेयर पर बैठ बैठता हूँ तो बैठा रह जाता हूँ ये सब वो बोल रहे चेयर क्या होती है वो एक्सप्लेन कर but a non-living animal with four legs <laughs> like an octopus isn't it if you remove the legs it becomes sadhguru my problem sitting remember see what is sitting it's nothing but not standing so when you are sadhguru can you please answer my bad cunipata what you can't sit why the hell didn't you tell me before i am not a chiropractor next question Chat <laughs> guru I'm blind what do I do well see <laughs> he can't see oh see see see, see? <laughs> see. <laughs> next question <laughs> <laughs> oh how do you have so much energy? The secret to my energy. Chadguru! <sighs> Chadguru! <sighs> what? I wasn't sleeping. I was in a trance. Nuclear was playing. Piquam, 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 piquam. Complex, complex. पता नहीं ये तो ये तो नहीं मेरे को समझ आया ये तो, क्योंकि मैं इतनी सारी भी वीडियोस ही देखी है सतगुरु की पोजीशन वी हैव टू गो ओके आई हैव टू एंड टुडे सेशन नाउ नमस्कार वेयर आर यू गोइंग सतगुरु मोटिवेशनल पॉडकास्ट आई हैव बीन इनवाइटेड सी व्हाट इज एन इनवाइट इट्स नथिंग बट नॉट अनवेलकम सो व्हेन यू आर इन दिस अमेजिंग सतगुरु Okay, okay. I am coming. Can we at least dance first? डांस तो करते हैं ऐसे ही डांस करते हैं डांस करते, करते, करते हैं ना।, है ना ये भाई शिवरात्रि में डांस करते हैं ना कैरी नाटी ने, ने ना इस जो मतलब पैरेडी निकाली है और पैरेडी का जो सीन क्रिएट करा पूरा बैकड्रॉप क्रिएट किया है और जो पूरा ऑरा है वो वही वाली फीलिंग दे रहा है कि सच में वही लोग हैं तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे मैंने पे... मैंने तो सिर्फ इनको डांस करते देखा शिवरात्रि मतलब हाँ जी... मतलब मैं मैंने भी उसी पे देखा है मैंने. आ, बाकी जैसे तुम लोग एक अग्रवाल करके बंदा आता है वो दिखाता है ताऊ ताई नाच रहे शादी में तो देखा है कि स्टेज वेज सब एकदम वैसा बना होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वीडियो को बनाने में चाहे वो वीडियो खुद फनी बहुत हो या ना हो बट उसका जो सीन है ना वो आप रिलेट कर जाते हो ऑरिजिनल वाले सीन से तो और ज्यादा फनी लगने लगती है जबकि वो टेक्निकली फनी नहीं होती है

A little bit more. करता है थोड़ा और सर थोड़ा थोड़ा कैसे हो भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट क्योंकि आप पहली बार गांव से बाहर आए इसलिए ये बुके मेरी तरफ से बुके मतलब पहली बार गांव से बाहर आए फूलों का गुलगुला गुलदस्ता <laughs> गुलगुला शुक्रिया जी <laughs> मैंने आपकी रीसेंट रील देखी थी जहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे ये बोलता ऐसे। आपने कभी मौत के बारे में ना? अभी तो सोचूंगा तो मैंने यूट्यूब कर रखा है like cash, अरे, स्टार्टिंग में हीरो बनने के लिए ऑफ किया था अब साला यूट्यूब ऑन ही नहीं करने दे रहा है एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा टू डीप जी आपके जो काम पे तेल लग रहा है मस्त से बहुत क्यूट लग रहा है मेरे घर अरे ये तो चॉकलेट कुकी है ओह oh माय गॉड इन्होंने तो निकाल दिया ये कैसे किया क्या आप हमारे व्यूअर्स को वापस करके दिखा सकते हैं ओ माई गॉड गाइज वी हैव टू डीप मैजिकल महेश्वरी विद अस लेट्स कम डाउन टू द सीरियस क्वेश्चंस आप फाप करते हैं हाँ भाई दिन में चार बार कर रहे हूँ आज एक होटल में भी करके आया हूँ यू <laughs> कभी ना है कभी खड़ा ना हुआ आज तक ऐसा नहीं है हो जाता है कभी कभी अगर कोई हॉट देख जाए तो या कोई फोन पे पैक हो दीवार में छेद हो तो फुटबॉल मेदू वाला ब्लैक होल फ्रिस्पी अनियन रिंग थाला चाबी काला चाबी थाला चाबी <laughs> कल तो फूलों को देख के हो गया था वो तो गोल नहीं है <laughs> <laughs>

मतलब मैं नहीं बोलूँगा पूरी है फनी है स्टार्टिंग से एंड तक बट पीट बीच में एलिमेंट्स है जो ऐसे अच्छे हैं और पूरा जो फीलिंग दे रहना वाली वो बड़ी अच्छी है सो हाउ डू वी सेव थोड़ा खर्चा किया है प्रेस कंट्रोल थोड़ा मतलब खर्चा किया है भाई सेटअप बनाने में व्हाट आप हंसते नहीं जय चैलेंज होगा तो हंसूंगा आ चैलेंज यू अगर आपको कभी एलियन मिला तो आप उसका हिलाओगे

कलंकित is here. तो कैसे है आप लोग आठ साल से एक ही डायलॉग बोल रहे हैं? <laughs> कभी ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाने का सोच बनाता हूँ तो रोस्ट यू मीन गाल

Hmm. तब से थोड़ा सा चेंज हुआ है कंटेंट और फिर उसके बाद अभी जैसे ये बोल रहा है कि वो कैसे आप लोग वो सब आगे सुनते हैं hmm. क्या मजाक उड़ाया कुछ उसका बना चुके हो और अभी तो म्यूजिक वीडियो भी नहीं चल रही है क्या था हलवा जलवा टेल यू ब्रदर वो भी एक गाली थी मेरे कानों के लिए कालियों के अलावा और कुछ कहना चाहोगे

<laughs> I am not laughing. <laughs> I am crying. <laughs> okay, okay. <laughs> you stupid, stupid boy. You will obey. <sighs> okay now. Binzo. download kar. <laughs> <laughs> download kar. कभी किया है कभी सोचा है क्या मजा है अरे भाई मैंने डायलॉग अलग बोल लेना आवे है वो म्यूजिक वीडियो में ले लो डाउनलोड विनजो और सपाटे मारो ये म्यूजिक वीडियो में ले लो सपाटे मारो म्यूजिक वीडियो में ले लो अबे <laughs> <आवे> यार आ, <laughs> इतनी बदतमीजी कौन करता है भाई थक गए मेरे भाई गए। चलो 2D भाई सतगुरु को पकड़ लिया भाई और गाइज देखो ये वीडियो एक पैरडी थी जिस जो इस वीडियो का मकसद था कि लोगों को अफेंड ना करना वो भी हमारी वीडियो का मकसद था लोगों को अफेंड ना करना हम इस वीडियो पे हंस रहे हैं ऑरिजिनली कैरेक्टर्स पे नहीं तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइज वीडियो आ, मैं अगेन इस वीडियो का भी मेरा फेवरेट पार्ट वही था आ, बीरा बाइस वाला तुम्हारा कौन सा था

उसको रोस्ट करता था और वो इतना फनी लगता था एक भालू भाल वाला था, था।, हाँ। था वो और वोड़े वो 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 में कौन है उसका सीरियल की अभी धोएगी अभी क्या करेगी इसकी वीडियो दिखाई थी इतना सही सीन होता है कि वो जाल वो क्या बोलते हैं केज के अंदर ना वो होता है पीछे पीछे ये होगा ऐसे होगा

आई युवराज आदित्य बोलने वाला था आई युवराज आई आयोदित्य जय हिंदा भाई मैंने डायलॉग वायलॉग बोल लेना आवे हैं वो म्यूजिक वीडियो में ले लो तो और सपाटे मारो